नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। लॉकडाउन को लेकर हर ताजा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज से 3 दिन के लिए लॉकडाउन शासन द्वारा घोषित कर दिया गया है, जिसका आप सभी पालन करें। आगे और भी लॉकडाउन के नियमों में बदलाव हो सकते हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। अति आवश्यक कार्य को लेकर ही घर से बाहर निकलें। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन हर प्रकार के सहयोग देने के लिए तैयार है। साधन से लेकर कोई भी समस्या आती है तो आप प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। लॉकडाउन की हर खबर की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के नगर पंचायत अतरौलिया में उक्त अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में भ्रमण करके तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा लोगों को घरों में रहने और दुकानें ना खोलने तथा अनावश्यक रूप से चौराहों पर ना बैठने की हिदायत दी। साथ ही सौसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया तथा सीमा हॉस्पिटल अतरौलिया पर पहुंचकर लोगों को सैनिटाइजर करने, सड़कों पर अनावश्यक रूप से दौड़ रहे वाहनों पर लगाम लगाने हेतु प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया को आदेशित किए। तो ये अतरौलिया थाना क्षेत्र से 4 मार्ग द्वारा अंबेडकर नगर का जाना आना रहता है। शासनादेश के सम्मान में अतरौलिया थाना क्षेत्र के मखनाहा, कनैला, ऐदिलपुर व लोहरा मार्ग को पूरी तरह सील कर दिया गया है। ये ध्यान रखें आप लोग, किसी भी प्रकार की अन्य कोई दुकान नहीं खुली रहेगी। 4-5 आदमी इकट्ठा होकर के बात नहीं करेंगे। पूरा आजमगढ़ लॉकडाउन है तो आप उसको पालन कीजिए, और नहीं पालन करेंगे 144 आगू है, उठा के बंद कर दिए जाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। बताया गया है घर में रहिए, प्रेम से खाना पीना खाइए, बाहर मत घूमिए आप। अगर इतना खतरनाक ये बीमारी है तो उससे आप बचाव कीजिए, सफाई रखिए, घरों में रहिए आप लोग, घर से बाहर मत निकलिए। इस बात को ध्यान रखिए आप, नहीं आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।